वही उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है। दूर दराज के क्षेत्रों स्वास्थ्य केंद्रों में समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने को राज्य कैबिनेट को ने अपनी मंजूरी दे दी है। वही प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों खासकर पर्वतीय जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफी कमी है। पर्वतीय जिलों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टरों की सेवा उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। अभी माननीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सेवा विस्तार का जहाँ इशू है वहाँ 60 से 65 साल कर दिया है और प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो हम अभी फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अभी आधा जो है हमारा शॉर्टेज है। 1262 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट के जिसमें से 597 कार्यरत हैं और 655 पोस्ट अभी फ़िलहाल अभी जो है खाली है। और अगर जो बॉन्डेड डॉक्टर्स को भी हम जोड़ दें तो लगभग 400 की कमी है फिलहाल। तो इसी को देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल ने सेवा विस्तार दिया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। अब उनका जो है 60 से 65 अभी उनका जो है रिटायरमेंट एज होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए लागू है और उन्हीं के लिए होगा जो क्लिनिकल पोस्ट में हैं। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं, उनको रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपनी सहमति व्यक्त करनी होगी कि वो फील्ड में जाके क्लिनिकल पद में पोस्ट में वो काम करने के इच्छुक हैं। तो इसी के क्रम में उनको सेवा विस्तार दिया जाएगा।